हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान और आप देख रहे हैं चैनल टैगरू प्लस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ है मिस्टर वैभव। इस वीडियो में वो आपको बताने वाले हैं आईटीआर के बारे में, जो आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2। तो वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सी आईटीआर किस किस को फिल करनी चाहिए, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है, अगर आप कंपनी है या एचयूएफ है या कुछ भी है, पूरा वो इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ITR 1, ITR 2, ITR 3, पूरा सारी चीजें, सारी ITR वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी ITR किस लिए यूज होती है, तो इस वीडियो में आप सीख सकते हैं। लास्ट तक इसको जरूर देखिए ताकि आपके प्रॉपरली समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, टेक गुरु प्लस में आपका स्वागत है। मेरा नाम CA वैभव कंसल है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जो दिल्ली में काम करता हूं। दोस्तों, मेरा अपना भी एक चैनल है GST साथी, जिसमें आप GST की बड़ी बड़ी वीडियोस, बड़ी बड़ी प्लानिंग, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करने लायक और बड़े बड़े लॉस को समझने के लिए वीडियोस देख सकते हैं, और उसमें इनकम टैक्स की भी लेटेस्ट वीडियोस डाली हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर टेक गुरु प्लस को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा GST साथी चैनल के साथ साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं नजीम जी के साथ आज ITR कितने प्रकार की होती है उस पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। ITR दोस्तों 7 प्रकार की होती हैं। ITR 1, आइए दोस्तों शुरू करते हैं ITR 1 से। ITR 1 का नाम है ITR 1 जो है आपकी कौन कौन भर सकता है वो देखिए दोस्तों, और कब कब भर सकते हैं। ITR 1 सिर्फ और सिर्फ, सुनिए दोस्तों, ITR 1 सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट भर सकता है। कौन भर सकता है दोस्तों? इंडिविजुअल रेजिडेंट। रेजिडेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए जो आमतौर पर सामान्य तौर पर भारत में रहते हैं, राइट। तो ये लोग भर सकते हैं जिसकी इनकम 50 लाख तक है, जिसकी इनकम 50 लाख तक है वही लोग भर सकते हैं। दो क्राइटेरिया बताए दोस्तों मैंने, कंडीशन सुनिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल ROR और 50 लाख तक वाली इनकम के। अब तीसरी कंडीशन जो कि बेहद खास है, राइट, इसका नाम है ITR सहज। तो सहज मतलब जिनकी सहज इनकम होती है, जैसे सैलरी से, राइट, सैलरी वाले इनकम इसमें आएंगे। एक घर वाले बंदे इसमें आएंगे, जिनके पास एक घर है, जनरली वो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो लॉस आ जाता है, किराए पे देते हैं तो उसमें इनकम आ जाएगी, एक घर वाले बंदे आएंगे। और अदर सोर्स वाले भी इसी में कवर होंगे। अब देखिए कौन कौन नहीं आता, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन कौन नहीं आता। जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, राइट, 50 लाख से ऊपर है तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि पहले कंडीशन मैंने बताई। दूसरा, जिनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है लेकिन दो या उससे अधिक घर से, क्योंकि एक वाले कवर होते हैं यहाँ पे, राइट। और सुनिए दोस्तों, अदर सोर्स में तो हम आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर अदर सोर्स में कैजुअल इनकम है, यानी लॉटरी गैम्बलिंग से इनकम है, तो आप यहाँ पे ITR नहीं भर सकते, ठीक है दोस्तों। और सुनिए, कैपिटल गेन्स यहाँ पे नहीं आना आपको। एग्रीकल्चर की इनकम 5,000 से ऊपर है, यहाँ पे नहीं भरना दोस्तों। कहाँ भरना है बताऊंगा। PGBP की इनकम सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी आम भाषा में कहूं तो व्यापार से होने वाली इनकम यहाँ पे नहीं आती, ठीक है जी। और सुनिए, हाउस प्रॉपर्टी की आती है, अदर सोर्स की आती है, लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेज है आपको, अदर सोर्स में लॉसेज है आपको, तो भी आप यहां नहीं आएंगे। यानी ITR में एक सहज इनकम है, यानी कोई लॉस नहीं, कोई टेंशन नहीं, छोटी सी इनकम है, उठ कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है जी। तो ये ITR 1 के बारे में, ITR 1 की डिटेल डिस्कशन मैंने अपने चैनल GST साथ पे करी हुई है, तो उस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ITR 2 दोस्तों बड़ी सिंपल है, जो ITR 1 नहीं भर पाते और जिनकी PGBP की इनकम नहीं है वो ITR 2 भरेंगे, राइट दोस्तों। ITR 1 नहीं भर पाने वाले और PGBP की इनकम ना प्राप्त करने वाले ही ITR 2 में जाते हैं। मैं एक दो एग्जांपल्स देके आपको बताता हूं, देखिए दोस्तों ITR 1 और 2 में डिफरेंस। ITR, जैसे मान लो मेरी इनकम है 14 लाख पर एनम, 14 लाख की मेरी सैलरी इनकम आती है, तो मैं कौन सी रिटर्न भरूंगा? ITR 1। मेरी 60 लाख रुपए की एनुअल इनकम आती है सैलरी से, मैं कौन सी भरूंगा? ITR 2। मेरे पास एक घर है, किराए पे चढ़ा रखा है, उससे इनकम आती है ITR 1। मेरे पास एक घर है और उसमें लॉस आता है ITR 2। मेरी सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम है ITR 2। मेरी लॉटरी से इनकम है ITR 2। मेरी अदर सोर्स की इनकम है, डिविडेंड इनकम है और अदर टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम है ITR 1। मेरी बिजनेस की इनकम है ना ITR 1 ना ITR 2। ITR 3 दोस्तों वो लोग भरते हैं जो ITR 4 नहीं भरते,
राइट, अभी बताऊंगा आई टी आर 4 के बारे में, जो आई टी आर 4 नहीं भरते और जो आई टी आर 1 और 2 के लिए एलिजिबल नहीं है यानी आई टी आर 3, वो बंदे भरेंगे कौन कौन, वो भी इंडिविजुअल और एचयूएफ, और कोई बंदे इसमें नहीं आते हैं। राइट दोस्तों, अब आई टी आर 4 सुनिए, क्योंकि आई टी आर 4 जो कि सुगम फॉर्म है वो भी बड़ा अच्छा है। आई टी आर 4 किसके लिए है? आई टी आर 4 पहली बात तो इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म के लिए है, राइट, तीन लोगों के लिए है। कौन सी इनकम वाले के लिए है? जो प्रिजम्पटिव इनकम होती है, अगर आपने सुना हो दोस्तों, प्रिजम्पटिव इनकम तीन सेक्शन में कवर है, सेक्शन 44AD जहां पे आप 6% अपने बिजनेस का फिक्स्ड इनकम दिखाते हैं, 44AE जहां पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले अपने इनकम दिखाते हैं फिक्स्ड, और 44ADA जो नया सेक्शन आया था लास्ट ईयर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल CA लॉयर्स वगैरह के लिए, जिसमें 50% अपनी इनकम दिखाते हैं। इसके अलावा अगर उनकी सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, एक घर की, अदर सोर्सेस कैजुअल के अलावा, तो वो यहां पे आ सकते हैं, वो यहां पे भर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे खास है PGBP की होनी चाहिए। ये तीनों चीजें तो वन में भी थी, ये तीनों चीजें तो वन में भी थी, लेकिन इसको बिजनेस के साथ अगर आपको भरना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 महीने जॉब करी फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो 9 महीने मैंने बिजनेस किया, 3 महीने जॉब करी, अब कैसे आईटीआर भरूं? आईटीआर बंद तो मना कर दिया, तो आईटीआर 4 भरूंगा मैं, राइट। और कौन कौन नहीं भर सकते? ऑब्वियसली जो आईटीआर 3 भर रहे हैं, यानी इसके अलावा स्पेसिफाइड नहीं है, प्रॉपर इनकम बनाते हैं, पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं, वो आईटीआर 4 नहीं भर सकते, प्रिजम्पटिव वालों के लिए, ठीक है। और कैपिटल गेन वाले इसमें नहीं आएंगे, वो तो आईटीआर 2 में गए हैं। एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर वाले इसमें नहीं आएंगे, वो आईटीआर 2 में गए हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम वाले इसमें नहीं आएंगे, आईटीआर 3 में जाएंगे। और जिनकी इनकम विदेश से होती है वो भी आईटीआर 3 में जाएंगे, राइट। आईटीआर 5 सुनिए, आईटीआर 5 दोस्तों जो बाकी हमारे एसएससी बचे हुए हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, और हमारे लोकल अथॉरिटी, अदर आर्टिफिशियल पर्सन, ये सब आईटीआर 5 में भरते रिटर्न, ठीक है दोस्तों। आईटीआर 6 सुनिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी, कंपनीज के लिए, कंपनी एसएससी जो चैरिटेबल नहीं है, सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड नहीं है, सेक्शन 11 इनकम टैक्स एक्ट में कौन रजिस्टर्ड है? चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके अलावा सारी कंपनी पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड आईटीआर 6 में जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईटीआर 7 में बचे हुए लोग चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, लॉ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशन, मेडिकल काउंसिल, और मंदिरों की इनकम, हॉस्पिटल्स की इनकम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इनकम, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ काम, और ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टी, न्यूज एजेंसी अपने आईटीआर किसमें भरेंगे? आईटीआर 7 में भरेंगे, ठीक है। किसमें भरेंगे दोस्तों? आईटीआर 7 में। तो ये थी मेरी एक लिस्ट जो कि बताती है आपको कौन कौन से आईटीआर भरी जाती है, आईटीआर 1 से लेकर 7 तक। अगर ये वीडियो आप दोबारा देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको, और जान पाएंगे आपकी आईटीआर कब भरनी है आपको और कौन कौन सी भरनी है आपको। आईटीआर 1 पे पूरी आईटीआर पे आपको पता होना चाहिए, इस बार बहुत सारी पेनल्टी भी, और पेनल्टी के लिए भी मैंने एक वीडियो जीएसटी साथी पे डाल रखी है, राइट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देखते रहें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, जीएसटी साथी और टेक गुरु प्लस को। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।